एटा के मिर्ची थाना क्षेत्र में पिछले दिनों गोली लगने से घायल महिला की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे पैसे के लेन देन के दौरान बड़े विवाद में दूसरे पक्ष ने गोली मार दी थी। महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया और कार्रवाई की मांग करने लगे। आपको बता दें कि मृतका के परिजनों ने पिछले दिनों जिला पंचायत सदस्य बंटी राजपूत समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पहली बात तो यह है कि थाने का घेराव नहीं है। हमें 26 तारीख को यहाँ कुछ गुंडों ने, दुष्यंत सिंह ने हमारे मिर्ची में रह रहे हैं, इनका मिर्ची में मकान है, वो उस इनकी बहू में गोली मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गई। दुष्यंत घायल अवस्था में लेके एटा गए, एटा से रेफर कर दिया गया आगरा, और आगरा से रेफर कर दिया गया जयपुर के लिए। वहाँ ट्रीटमेंट चलता रहा। इधर गुंडों ने मुलाकात कर ली पुलिस से, तो पुलिस ने कहा कि दुष्यंत ने ही अपनी बहू में गोली मारी है, क्योंकि वो उनकी साजिश थी। और उसके बाद वो बेचारा पुलिस वहां तक गई गिरफ्तार करने दुष्यंत को, तो वो डर के मारे अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में छोड़ के इधर उधर भागा भी। कहीं उसे गिरफ्तार कर लिया तो उसकी पत्नी का इलाज नहीं हो पाएगा सही तरीके से इलाज।